वहीं आमदी नगर हुडको वार्ड 70 में कथित एक समाज विशेष द्वारा भक्त माता कर्मा व बालकृष्ण की मूर्ति रखकर बच्चों के खेलने की भूमि को धार्मिक स्थल के रूप में तब्दील किया जा रहा है। वार्ड वासियों का कहना है कि समाज द्वारा वहां माता कर्मा का मंदिर बनाने व इसकी आड़ में बच्चों के खेलने वाले स्थान को हथियाने की नीयत से रातोंरात मूर्ति रखी गई है, जिसकी वजह से विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है। वार्ड वासियों ने उक्त स्थल पर अति पूजनीय भक्त माता कर्मा की मूर्ति रखकर व उनका इस तरह अपमान होने का विरोध किया। वार्ड के लोगों का कहना है कि मंदिरों के लिए कई जगह चिन्हांकित हैं और मंदिर निर्माण भी हो चुके हैं, फिर उक्त कथित समाज द्वारा इस तरह खाली स्थल को कब्जा करने मंदिर निर्माण करना न्याय नहीं है। इस प्रकार से खुले में मूर्ति रखने से जहां आवारा पशु वहीं मंडरा रहे हैं, वहीं आवारा श्वान वहीं सब कर्म कर रहे हैं। जिस स्थान पर खुले में मूर्ति रखी गई है वहां गंदगी का ऐसा नजारा हर ओर देखा जा सकता है। मैं शुरुआत से बताना चाहती हूँ, 17 तारीख को, इससे पहले से बता रही मैं, ये मूर्ति दुर्गा मंदिर यहाँ हुडको में स्थित है, वहाँ पर 5-6 महीना पहले से रखा गया है। वहाँ दीक्षित आंटी वहाँ इन लोग मांग कर रहे थे मूर्ति रखने के लिए, मंदिर बनाने के लिए, उनके द्वारा मना किया गया तो वहाँ से इन लोग भागे। 324 में जहाँ मैदान है, गार्डन है, वहाँ पर इन लोगों ने प्रयास किया मंदिर बनाने का, वहाँ के लोग विरोध किए, वहाँ आयुक्त को भी दिया गया आवेदन, और उसके बाद इन लोग रात को 10:30 बजे यहाँ आके मूर्ति रख दी। दूसरे दिन सुबह जब आए उन लोग, तब मूर्ति अब बोलने लग गए कि यहाँ पर हम मंदिर स्थापना करेंगे। वो स्ट्रीट के लोगों के द्वारा विरोध किया गया और एक जगह भी दिखाया गया कि आप वहाँ मंदिर बनाएंगे, लेकिन इन लोगों ने वहाँ पर हामी भर दी, हाँ बनाएंगे, सब इधर उधर चले गए, अपने घर चले गए। दोपहर में आके छुप के चोरी से पूजा करने लग गए। विरोध करने के बाद भी यहाँ आरती चल रहा है, गोबर पड़ा है, गंदगी है, वहाँ पर उन लोग आरती कर रहे हैं और अपनी कुल देवी माता का इतना बड़ा अपमान कर रहे हैं। यहाँ पर आकर के ब्रिज बनाकर सब कुछ कर लिया था, बना लिया था, उसको भी निगम वाला के हटा दिया गया। आजू बाजू सामने वालों ने भी बोला कि हम लोग के शेड बनाए, पर उन लोगों ने बोला कि नहीं, यहाँ शेड नहीं बनेगा भाई, नगर निगम द्वारा ये प्रस्तावित जगह है, यहाँ पर बाद में बच्चे लोग खेलेंगे, गार्डन लगाएंगे, बैडमिंटन का बनाएंगे करके। पर उसके बाद में क्या है, अभी ये चुनाव हुआ तो जब से यहाँ ध्यान ही नहीं दे रहे कोई लोग। मैं चाह रहा हूँ कि ये जगह में जैसा जैसा है बैडमिंटन ग्राउंड के लिए ज्यों का त्यों रखा जाए। देखिए, मूर्ति रखना जो है ये गलत, भगवान माता सब अच्छे हैं, लेकिन मूर्ति कभी भी कहीं रखी जाती ना तो उसके लिए कुछ पूर्व नियोजित बात होनी चाहिए कि नहीं। समाज वाले आके किसी से पूछे कि हम यहाँ रखें कि ना रखें। ये जो है बड़ी मेहनत से बनाया गया है बच्चों के खेलने के लिए, यहाँ पे बेंचेस ला के और बुजुर्गों के बैठने का बनाने वाले से हम लोग ये अचानक बखेड़ा खड़ा हो गया। तो हम चाहते हैं कि ऐसी गलत बात ना हो, हम चाहते हैं कि कर्मा माता की मूर्ति बहुत अच्छी जगह कहीं स्थापित हो जहाँ वहाँ पे इज्जत होगी। यहाँ देखें ना कि इस तरह से पड़ी, हम लोग को बुरा लग रहा है, इनके समाज के लोगों को अच्छा लग रहा है क्या, पता नहीं मुझे, हम लोग को तो बड़ा ख़राब लग रहा है कि माता की ऐसी बेइज्जती हो रही। पार्किंग है, बच्चे लोग को खेलने के लिए जगह है, यहाँ पे मंदिर मस्जिद कुछ भी नहीं बन सकता है, समझ रही ना। मंदिर उधर बना हुआ है, इधर बना हुआ है, चारों तरफ मंदिर है, मंदिर है, अब घर घर में मंदिर बना दोगे क्या? ये हुडको प्लेस है और यहाँ पे ये जो जगह आप देख रहे हैं ये बच्चे लोग के लिए खेलने का जगह है और साथ में बैडमिंटन के लिए भी ये जगह हमने रखा गया था। और यहीं पे अभी कुछ लोगों के द्वारा में यहाँ पे कृष्ण भगवान का मूर्ति और माता कर्मा का यहाँ पे रखा गया, और आप देख रहे हैं कि ये जगह कितना गंदा है, यहाँ पे भगवान का कहीं ना कहीं अपमान हो रहा है। और ये जगह में आप हुडको पे सामने पे ला के रखे गए हैं, तो यहाँ पे कुछ बुजुर्ग लोग भी अपना खाना वाना खाने के बाद थोड़ा वॉकिंग प्लेस है उन लोगों का, यहाँ घूमते भी हैं और टहलते हैं, उन लोगों का सब जगह को यहाँ पे बंद कर दिया गया है। तो हम चाह रहे हैं कि ये जो जगह बच्चों लोग के लिए रखा गया है तो यहाँ पे ये जगह ऐसी ओपन ही रहे, ना कोई मंदिर का यहाँ पे जगह हो और ना कुछ, ये बच्चे लोग के लिए रखा गया है तो ये स्थल बच्चे लोग के लिए ही रहना चाहिए। तो हम लोग आप लोगों से यही है कि पूरे हुडको वासियों से हम लोगों का यही निवेदन है कि यहाँ पे जो माता का और कृष्ण भगवान का मूर्ति रखा गया है इसको ये जगह से हटा दिया जाए, और मंदिर के लिए जो सोच रहे हैं ये जगह मंदिर के लिए ना होके बच्चे लोग का खेलने का स्थान बनाया जाए।